हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम कक्षा पाँचवीं की हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर 8 पार्ट 8 लिंग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेंडर, पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिंग क्या होता है? लिंग शब्द की जाति के द्वारा ही हम किसी नामधारी के स्त्री या पुरुष अथवा नर या नारी होने का बोध कराते हैं। मतलब लिंग क्या होता है, लिंग की स्टडी, जब हम लिंग के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस जाति का है, स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है। ठीक है, तो आइए हम परिभाषा देखते हैं लिंग की। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है, तो लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के होते हैं दो भेद। तो यहाँ पर दिया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या है, जिसे इंग्लिश में मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो पुल्लिंग में क्या होता है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोहन, बालक, घोड़ा, हाथी, छात्र, पिता, भाई, चाचा, अध्यापक, मोर, ये सभी क्या हैं, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है, ये शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध मतलब सभी स्त्री, सभी फीमेल्स का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फेमिनिन और स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे मीरा, गुड़िया, लड़की, घोड़ी, हथिनी, छात्रा, गाय, माता, बहन, चाची, अध्यापिका, मोरनी, ये सभी क्या है, ये स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 52 पे हम देखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस तरीके से की जाती है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस तरह से की जाती है, तो यहाँ हम देखेंगे अकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो अकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं, जैसे पत्र, चित्र, वन, जल, पुष्प, मस्तक, मेघ, धन, लोभ, दोष, कलश, गृह, रूप, नाटक, त्रिभुज, पर्वत, उपवन, मगर, सागर, विभाग, प्रवेश, समाज, विवाद, कर्म, कार्य, गृह, चंदन, चंद्र, संदेश, प्रस्ताव, छात्र, लोक, अश्व, ये सभी क्या है, ये अकारांत तत्सम शब्द हैं जो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। मतलब ये सभी शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी के अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, और जो हिंदी के अकारांत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वे भी पुल्लिंग होते हैं, मतलब पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो ये बच्चों, ये आपको पता है, जैसे लड़का, कपड़ा, घोड़ा, झगड़ा, नाला, पहिया, चमड़ा, पैसा, हलवा, मसाला, पर्दा, शीशा, सोना, हीरा, चिमटा, छाता, चश्मा, रास्ता, गुस्सा, बुलावा, दिखावा, ढकना, हथौड़ा, ये सभी क्या हैं, ये हिंदी के अकारांत शब्द होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम देखते हैं छोटे पक्षियों, कीड़ों आदि का, या जिन जोड़ों में भेद करना कठिन है, उन प्राणियों का क्या होता है, ये लिंग निर्णय व्यवहार के आधार पर होता है। जैसे खटमल, मेंढक, गीदड़, चीता, भेड़िया, बटेर, ये सब क्या है, ये सभी शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं चिड़िया, कोयल, मैना, मोरनी, मछली, गिलहरी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, मतलब स्त्री जाति का बोध कराते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्राणिवाचक संज्ञा का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। जैसे यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वे हमेशा किस में यूज होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे अन्न, अन्न क्या है, चना, उड़द, गेहूँ, बाजरा, वृक्ष, जितने भी वृक्ष हैं यहाँ पर दिया गया है, आम, खजूर, अशोक, बांस, अनार, पीपल, बरगद, ये सभी क्या है, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। मसाले, पर्वत, हिमालय, शिवालिक, विंध्याचल, जितने भी पर्वत हैं ये क्या है, ये पुल्लिंग। द्रव्य मतलब जो
लिक्विड्स हैं, लिक्विड ठीक है, दूध पानी शरबत तेल। दिन रविवार सोमवार मंगलवार, क्या है ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इसी तरह हम देखेंगे धातु लोहा सोना तांबा। ग्रह ग्रह कौन कौन से हैं, चंद्र मंगल बुध शनि सूर्य, ये सभी क्या हैं पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट, हिंदी की भी भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं जिनके अंत में आ आव आवा ना पा अथवा पन पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी की जितने भी भाववाचक संज्ञा होती हैं उनके लास्ट में क्या होता है, बड़ा आ आ बुलावा आओ, ये सब होता है। जैसे हम देख सकते हैं बुढ़ापा बचाओ बुलावा बचपन और मरना, ये सभी क्या है ये पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्दों के पहचान। स्त्री हमने यहाँ पर पढ़ा पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस तरीके से होती है, अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस तरीके से होती है। तो यहाँ आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भाषा और लिपियों के जितने भी नाम हैं वो क्या है ये स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति का बोध कराते हैं, मतलब हिंदी अंग्रेजी अरबी रूसी तमिल देवनागरी और रोमन। नेक्स्ट है आपका शरीर के कुछ अंग। शरीर के कुछ अंग हैं जो ये क्या कहलाते हैं, वे स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे नाक आँख गर्दन छाती अंगुली जीभ और ये सब। ठीक है, नेक्स्ट इकरांत शब्द। इकरांत शब्द मतलब रोटी टोपी लाठी मिठाई बोली नाली। नेक्स्ट कुछ उकरांत शब्द होते हैं वे भी स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे झाड़ू बालू झाड़ू और लू। नेक्स्ट है आपका नदियों के नाम। ये सब जितने भी नदी हैं ये सब क्या है ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती गोमती ब्रह्मपुत्र और सरयू। नेक्स्ट तिथियों और नक्षत्रों के नाम, जैसे प्रथमा द्वितीया रोहिणी, ये सब क्या है ये स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द अर्थात स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्त्रीलिंग बनाने के कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, पेज नंबर 53 में यहाँ पर दिया है, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं कि क्रिया द्वारा लिंग निर्णय किस तरह से, जैसे कमलकांत गाता है, कमलकांत क्या है लड़का है तो वहाँ उसके लिए क्या आएगा गाता, और कमला गाती है, कमला यहाँ पर स्त्री जाति का बोध कराती है, लड़की है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा गाती। ठीक है, इसी के अनुसार विशेषण द्वारा लिंग निर्णय, जैसे यहाँ पर विशेषण क्या है काली, काली है यहाँ पर तो स्त्री के लिए हुआ है तो घोड़ी, काला काला मतलब पुरुष जाति की मतलब पुल्लिंग। नेक्स्ट है संबंध कारक द्वारा लिंग निर्णय, तो यहाँ पर वह राम की बहन है, वह राम की बहन, बहन है यहाँ पर क्या आएगा बहन है इसलिए की आया है। ठीक है, वह राम का भाई है, कहाँ है यहाँ पर भाई के लिए का हुआ है और बहन के लिए की। ठीक है, हम देखते हैं स्त्रीलिंग बनाने के नियम किस तरीके से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कौन कौन से अकरांत शब्दों के जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे आ बड़ा आ किस स्थान पर क्या आ जाता है बड़ी ई आ जाती है। ठीक है, जैसे पुत्र पुत्री देव देवी दास दासी हिरण हिरनी, इसी तरीके से आपको देखना है घोड़ा घोड़ी, आपको ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, लड़का लड़की घंटा घंटी। अब अकारांत शब्द में आ के स्थान पर क्या जाता है ई आ जाता है, जैसे बेटा बिटिया चूहा चूहिया बूढ़ा बूढ़िया डिब्बा डिब्बिया लोटा लुटिया कुत्ता कुत्तिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 54 पे हम देखेंगे शब्द के अंत में क्या आता है। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए लास्ट में शब्द के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है आ और क अक, अक को किस में बदल दिया जाता है इका, बालक बालिका पाठक पाठिका गायक गायिका, इस तरीके से आपको ये रीड करना है। नेक्स्ट अकरांत संस्कृत शब्दों के अंतिम आ को किस में बदला जाता है, छोटा आ को बड़ा आ में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे बाल बाला सुत सुता शिष्य शिष्या प्रिय प्रिया, तो ये आपको पतित
पतिता, अनुज, अनुजा, ठीक है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द के अंत में नी प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो जो पुल्लिंग शब्द है ना इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए लास्ट में क्या जोड़ा जाता है, नी। चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, रीछ, रीछनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, भील, भीलनी, जाट, जाटनी, मास्टर, मास्टरनी, सिंह, सिंहनी, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ शब्दों में इन प्रत्यय लगाकर भी, इन प्रत्यय को जोड़कर क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पर नाग, नागिन, माली, मालिन, बाघ, बाघिन, सांप, सापिन, ठीक है, ग्वाला, ग्वालिन, पुजारी, पुजारीन, सुनार, सुनारीन, नाती, नाती, नातीन, ठीक है। और लास्ट में पुल्लिंग शब्दों में इनी, इनी प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे हंस, हंसिनी, हाथी, हथिनी, स्वामी, स्वामिनी, यशस्वी, यशस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी, अभिमानी, अभिमानिनी, ठीक है। नेक्स्ट, पेज नंबर 55, इसमें पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए, मान और वान। मान को किस में बदला जाता है, मति में, और वान को वती में, ठीक है। जैसे श्रीमान, श्रीमती, मति यहाँ पर जोड़ दिया है, मान में क्या जोड़ दिया है, मति, ठीक है, मान की जगह पर मति जोड़ दिया गया। धनवान, धनवान, धनवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती, तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। और पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या जोड़ा जाता है, आनी, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जैसे जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, और ये सभी पढ़ना है। और पुल्लिंग शब्द के अंत में ता जोड़ दिया जाता है, ता लगा रहता है तो ता किस में बदल जाता है, त्रि में। स्त्रीलिंग बनाते हैं तो ता किस में बदलता है, त्रि में, ठीक है। जैसे नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री, ठीक है। तो ये आपको दाता, दात्री, विधाता, विधात्री, भारता, भात्री, ठीक है। नेक्स्ट है, पुल्लिंग शब्द के अंत में आइन लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, ओझा, ओझाइन। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं और कुछ यहाँ पर दिया है पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग। पुरुष, स्त्री, नर, मादा, मर्द, औरत, बाप, माँ, भाई, बहन, वर, वधू, राजा, रानी, इस तरीके से आपको पूरा रीड करना है पेज नंबर 55, ओके। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इस चैप्टर के नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा, जिसे आपको देखकर आपकी बुक भी फिल करनी है, ओके। थैंक यू।